नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम वीकली केयर प्लान कैसे बनाते हैं। दोस्तों एक वीडियो में मैंने बताया था कि वन डे केयर प्लान आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीकली केयर प्लान जो है थोड़ा वन डे केयर प्लान जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ और स्पेसिफिक चीजें जो है वो आपको लिखनी होती है। सबसे पहले तो जो है बायोडेटा, ये आपको पूरी तरीके से लिखना होगा। साथ ही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और बहुत सारी और चीजें हैं वो आप बनाएंगे। साथ ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड कर रहे हैं, लैब वैल्यूज जो है आपको बनानी होंगी। अब उसके बाद आपको बनाना होगा वीकली केयर प्लान। वीकली केयर प्लान के लिए आपको एक डायग्नोसिस चूज करना होगा। उस डायग्नोसिस को आप किस तरीके से लिख सकते हैं या क्लिनिकल एक्सपीरियंस फाइल में कितने अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप वीकली केयर प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी होगा कि आपको पेशेंट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो, A to Z जो भी उसको हर एक दिन में प्रॉब्लम हो रही है। वीकली केयर प्लान का मतलब होता है 7 डेज तक किया गया केयर। 7 डेज तक, 1 डे में होगा कि आप 1 डे तक जो केयर करेंगे उसमें जो भी वेरिएशंस आएंगी या जो भी प्रॉब्लम्स उसमें होंगी आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। लेकिन वीकली केयर प्लान में जो है इसमें आपको सिर्फ लिखना होगा क्योंकि आप जो है 2nd डे और उसके जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करेंगे। लेकिन वीकली केयर प्लान में आपका क्या होगा, वीकली केयर प्लान में अगर आपने Day 1 का केयर प्लान बनाया है, अगर आपने Day 1 का केयर प्लान बनाना है, इसमें सबसे पहले आपको वाइटल साइंस, साथ ही उस दिन की पूरी जो लैब वैल्यूज है, जितने भी रिपोर्ट्स मिले हुए हैं या जितने भी पूरी तरीके से एक पेशेंट के बारे में जानकारी मिली हुई है एक दिन की, उस एक दिन का आपको पूरी तरीके से लिखना है। चाहे ECG किया हो, USG किया हो, चाहे जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की गई हो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीकली केयर प्लान में लिखनी होगी। आप Day by Day, Day 1, Day 2, Day 3 करके आप पूरी तरीके से उसमें वीकली केयर प्लान बनाएंगे। अगर आप वाइटल साइन लेते हैं, वाइटल साइन में आप पूरी तरीके से जिस समय तक आप ड्यूटी में प्रेजेंट थे उसके हिसाब से, अगर आप हर 4 घंटे बाद या हर 6 आवर्स के बाद अगर आप वाइटल साइंस ले रहे हैं तो उसका Time to Time 2, 8, 4 या फिर जिस ऑर्डर में या फिर जिस इंटरवल में आप क्या ले रहे हैं, वाइटल साइन ले रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए वीकली केयर प्लान में, ठीक है। लैब वैल्यूज, हर एक दिन की लैब वैल्यूज, और आपको ये भी देखना है कि कितने चेंजेस उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपने 1st डे उस वीकली केयर प्लान को बनाया है, देन 2nd डे अगर कोई परेशानी थी पेशेंट में या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी उनकी लैब वैल्यूज में, अगर उन्होंने CBC कराया है तो उसकी मात्रा बढ़ी या कम हुई या कोई भी टेस्ट उन्होंने कराया है तो वो अब निगेटिव हुआ या नहीं हुआ। साथ ही आपको वीकली केयर प्लान में आपने उनका कैनुला जो है चेंज किया नहीं किया, कैनुला की साफ सफाई की नहीं की, उसकी पूरी जानकारी रहेगी। और अगर कहीं पर ड्रेसिंग के लिए अवेलेबल है एरिया तो उस एरिया पर ड्रेसिंग कितने समय किया गया है इसकी भी पूरी जानकारी आप क्या करेंगे, वीकली केयर प्लान में प्रोवाइड करेंगे। वन डे केयर प्लान में क्या होता है कि आप जो छोटी जानकारी है एक पेशेंट की वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वीकली केयर प्लान में आपको Day by Day जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपने उस Day by Day हुए चेंजेस में कौन कौन से केयर जो है या प्लानिंग करके उनको केयर प्रोवाइड की है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप ये सभी चीजें करते हैं वीकली केयर प्लान में तो आपका जो वीकली केयर प्लान है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने Day 1 में बताया कि आपको
कौन कौन सी चीजें करनी है, वैसे ही डे टू में आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा कि आपने डे वन में जो किया था वो सभी चीजें जो है अब कितनी बढ़ी हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि या तो मात्रा कम हुई है अगर कोई प्रॉब्लम रही हो, या मात्रा जो कम थी वो बढ़ी हुई हो, उसको भी आपको नोट करना है और उस लैब वैल्यूज में आपको एक सर्कल करना होगा कि हाँ यहाँ पर मात्रा लेस हुई है या ज्यादा हुई है, उसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर ज्यादा हुई है तो ऊपर एरो कर सकते हैं, अगर नीचे हुआ है तो नीचे एरो कर सकते हैं, जो कि आपके पेशेंट के स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी वीकली केयर प्लान के बारे में कि डे बाय डे आप किस तरीके से वीकली केयर प्लान बना सकते हैं, और साथ ही इस वीकली केयर प्लान में आपको लास्ट में बनाना होगा कि आपने कितने नर्सिंग केयर प्लान है या जो केयर आपने पेशेंट के ऊपर किया है, और पेशेंट में कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है देखने के लिए मिली थी, लाइक दैट फीवर, एब्डोमिन पेन, या फिर आपने कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको, जैसे फीवर था तो उनको आपने स्पंज बाथ प्रोवाइड किया होगा या आपने उनको यूरिनल्स दिया होगा, तो उस सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा और आप उसके थ्रू अपने जो पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी आप रख पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।